भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने शासकीय महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य उपलब्ध कराने को लेकर खाली कुर्सी पर दिया गया ज्ञापन। कुंभराज, आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गुना की इकाई कुंभराज ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए शासकीय महाविद्यालय कुंभराज विगत सत्र 2015 से 7 वर्षों से संचालित है, परंतु महाविद्यालय में अभी तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनेक प्रकारों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 7 वर्षों में जिन प्राचार्य के पास चार्ज है, उन्होंने महाविद्यालय को 7 बार आकार भी 7 दिन का समय नहीं दिया। अभी तक महाविद्यालय में आकर तक देखा तक नहीं, और न ही वह महाविद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाने में नाकाम साबित हुए हैं। इसी कारण छोटी छोटी समस्याओं व मूलभूत सुविधाओं के लिए विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद द्वारा इसके पूर्व में भी ज्ञापन माध्यम से इस विषय से अवगत कराया गया था, परंतु अब तक कोई उचित कदम प्रशासन ने इस दिशा में नहीं उठाया है। छात्र हितों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे पुनः यह मांग करती है, शीघ्र अति शीघ्र कुंभराज महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति जावे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करते हुए महाविद्यालयों में तालाबंदी के लिए बेबस होगी और उसके जिम्मेदार समस्त मध्य प्रदेश शासन की होगी। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष देवेंद्र मीणा, नगर अध्यक्ष गणपत मीणा, नगर मंत्री मोनू मीना, बहादुर सिभरे, शुभम चंदेल, सचिन सेन, शिवम सोलंकी, विष्णु शहारिया, मनीष सेन, शिवानी सेन, पूजा मीना, लक्ष्मी मीना और समस्त तरुणाई उपस्थित रहे छात्रों ने आक्रोश में नारीबाजी का सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आपको बोध है, अभी तक यहाँ पर कब से प्राचार्य उपलब्ध नहीं है? आवश्यकता है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी को महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की समस्याओं को, जैसा कि आज विद्यार्थी परिषद ने खाली कुर्सी को ज्ञापन दिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद की एक अभिनव पहल है, और उन्होंने जो विद्यार्थियों के बीच हो रही समस्याओं को देखा और उसको बच्चों के सामने रखा। जैसा कि आपको ज्ञात होता है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, जिन्होंने कॉलेज की ऐसी मूल समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया है। पिछले 7 वर्षों से कॉलेज कुंभराज महाविद्यालय में अध्ययनरत है, लेकिन आज तक भी कॉलेज में कोई स्थायी प्राचार्य उपलब्ध नहीं करा पाई है, और विद्यार्थियों को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अवगत कराना पड़ती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही प्राचार्य 4 महाविद्यालयों को कैसे चला सकता है एक ही समय में? तो विद्यार्थी परिषद आपसे मांग करता है कि अगर आने वाले 5 दिनों में अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई है, और तो हम कॉलेज की पूर्ण तरीके से तालाबंदी करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। इसके पूर्ण जिम्मेदार उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता के जय, भारत माता के जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। कुंभराज से इर्शीद मंसूरी की रिपोर्ट।